क्या ये क्या एड्रेस है? बेरानसित बना रहे हैं सुबह सुबह, और ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। देखो आइए, आज कितना है आपका? मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या 60 हो गया? हाँ? हो रहा है ना? हो रही है। लड़की है ना क्या? लड़की है ना क्या तुम? हो रही है बोलता। तुम तो लड़का है ना भाई? हो रही है। आयु कब से लड़की बन गया? हो रही है बोलता है। राजेश भी वैसे है ना, उस दिन क्या बोला था? आयु का मुन्ना है ना राजेश। आयु का मुन्ना, आयु का मुन्ना राजेश, और राजेश का मुन्ना जाओ। अपना अपना मुन्ना है ना भाई। चलो ठीक। हेलो गाइस, स्वागत है ज्योतिष ब्लॉग में आप सभी का। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं हमारे ऑफिस से कर रहा हूँ। तो गाइस, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता, हर रोज ऑफिस में आना पड़ता है, इसलिए मैं सोचा ऑफिस का भी ब्लॉग बना दूँ और आप लोग को दिखा दूँ ना कि यहाँ पे सामान लोग ऑर्डर करता है लेकिन नहीं लेते हैं, उस सब के बारे में भी बात करेंगे आज, और कितना यहाँ पे सेल होता है वो भी मैं बात करूँगा। यहाँ का मायबंग का लोग ना ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने के बाद में कितना लेता है, कितना परसेंटेज यहाँ पे लेता है, वो भी बात करूँगा। तो गाइस, ज्योतिष की दुनिया में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो मेरा दुनिया आजकल यही है कि ऑफिस में काम करो, सुबह यहाँ पे आओ, फिर रात रात को जाओ, ऐसा ही है। और बाहर में निकलने का तो मेरा टाइम ही नहीं मिलता आजकल। बाहर जाके ब्लॉक करेगा ऐसे तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं बाहर तो नहीं जा पाता अभी फिलहाल के लिए। तो गाइस, अभी ऑफिस पूरा खाली खाली है। देखो सामान आज जितना भी आरटीओ था, कैंसिल था, वो सब बेच दिया। अभी 4-5 ही रह गया, यहाँ भी ऐसा है बस यही है। कितना है इसमें बैग में? 45। और इसमें 22। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, दे दो। अच्छा से दे, कस्टमर को एक भी तकलीफ नहीं देके डिलीवर दो। हाँ हाँ। हेलो भाई लोग, क्या गेम चल रहा है? गेम चल रहा है। क्या हुआ? काम खत्म हो गया? काम खत्म हो गया मतलब खोल रहे थे तो खत्म हो गया। अच्छा, ब्रेन भाई अभी यहाँ पे कॉल चार लो है ना, इसके कॉल कर रहा है। पहले इसका कॉल नहीं जा रहा था, इसका ऐप में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी ठीक हुआ तो अभी कंटिन्यू कॉल कर रहा है ये। दादा का रहे हो? ठीक है ना, अभी कॉल जा रहा है ना सबका? जा रहा है। Satisfied. Satisfied ना? All clear. ठीक है करो। जाओ जल्दी डिलीवर देके आ जाओ। अभी गेम खेलना बंद करो अभी। ठीक है ना? अभी तेरा काम? मेरा सुबह से काम खत्म करके अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा। ठीक है, रेस्ट करो। पेन के नीचे बैठ सकते हैं, यहाँ तो हवा भी नहीं लगता होगा ना। और इस साइड में कौन है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो क्या है ना गाइस कि पहले भी मैंने दिखाया था, मेरा हाथ में कौन कौन यहाँ पे काम करता है ना वो सब दिखाया था, आज भी मैं दिखा रहा हूँ। अरे बा, देखो यहाँ पे आदमी तो नहीं है, पेन चला के बैठा है। हाँ, ये आयु बदमाश भी ना यहाँ पे, देखो वो बाहर निकल गया फिर भी ये रूम में पेन चालू है। देखो आयु का बिल्कुल आदत नहीं है, वो निकल जाने से भी यहाँ का फैन है स्विच ऑफ नहीं करता, वो हमेशा ऐसे छोड़ के चला जाता है। और देखो आराम, कितना आराम है वो, देखो गाड़ी के सीट में ये सो के वो काम करता है यहाँ पे। तो ठीक है, ये है हम लोग का दुनिया। हम लोग रोज हम लोग का लाइफ ऐसे ही है, अभी सुबह आओ ऑफिस में, फिर शाम को घर जाओ, पूरा रात हो जाता है, 8-9 बजता है अभी। लेकिन सामान जो है ना 300 से ज़्यादा नहीं आता है आजकल। हाँ, लेकिन ट्यूसडे को ज़्यादा होता है यहाँ पे। ट्यूसडे को टोटल कभी 600 होता है, कभी 800 होता है, ऐसा है। 800 तक बहुत कम होता है,
एवरेज में 600 पकड़ सकता है एवरी ट्यूजडे को। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो जो भी सामान ऑर्डर करता है ना, तो अगर आप लोग नहीं लेना है तो आप लोग अपना मोबाइल में ही कैंसिल कर दो, कैंसिल करना चाहे अच्छा है। लेकिन हम लोग यहाँ मैबंग आ जाने के बाद में जब हम लोग सिस्टम में ओटीपी करता है देने के लिए, तो वो लोग कैंसिल नहीं कर सकता, बस वही है। तो गाइस मैं ऑफिस में काम कर ही रहा था, यहाँ पे दिल्ली का मेरा जो काम होता है वो काम कर रहा था, लेकिन तभी कौन आया मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो गाइस, नमस्कार। आज पता नहीं भाई से, भैया से लिखने का मतलब मौका मिल रहा था, तो आज मिल गया, मिलने का दिन था। एक्चुअली मैं सूरज भाई के साथ जा रहा था अभी, तो मायबंग में भाई बोला चलो मायबंग होके जाता हूँ, मैं बोला चलो मायबंग होके जाएगा, तो फिर यहाँ पे लिखे आया। भैया जो है, भैया मतलब बहुत अच्छा है, और भाई मेरा वीडियो भी देखते भैया, तो अभी ट्रांसमिशन हुआ, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो और भाई से मैं अभी बात बोल रहा हूँ, मैं फिर दोबारा आऊंगा तो कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से रहूंगा, अच्छे से भाई के साथ ही घूमूंगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली यहाँ पे मैं मायबंग में 2-3 टाइम आया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला भैया से, पता नहीं रहना आया। और पहले किसके साथ आया था? इसका साथ ही आया था, हाँ मार्केट में आया था। अच्छा, उसने तो नहीं बताया। ठीक है, और अभी काम भी आएगा ना? हाँ, ओके ओके, जरूर, अभी टेंशन नहीं है, हर जगह में पहुंच है। और क्या बोलते हैं, भैया का जो काम है वो सेटअप देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काम अच्छा काम कर रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई को, ठीक है? नहीं, तो अभी कहाँ जाएगा फिर? अभी मैं उम्र डिमरा डिमरा ना घर में जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और अभी तो मैं अभी यहाँ पे ही हूँ माहौर में, 3-4 दिन हो गया। तो एक्चुअली मैं ऐसे ही साइकिल लेके आया घर से, अच्छा, लेके चलाते चलाते पूरे यहाँ पे आया। अभी कुछ दिन यहाँ पे ही रहेगा, उसके बाद देखता हूँ शायद बाहर जा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और कब आया बोलो? 4 दिन हो गया ना, सूरज भाई के साथ ही रहा। अच्छा, वहाँ पे घर बनाए ना, खेती वाला। अच्छा, एक दिन मैं भी जाऊँगा, बुलाने से मैं जाता रहा पहले भी ना। अच्छा, कोई नहीं, मैं बुला रहा हूँ, आइए, बहुत बढ़िया, पूरा पूल ले, स्विमिंग पूल है, मस्ती कर रहे। और अभी जो है सूरज, और गाइस मैं इसके बारे में बोलता हूँ, ये भी ये यूट्यूबर है, पूरा नाम मेरा यूट्यूब में है टिकलू ब्लॉग्स, टिकलू ब्लॉग्स, और ओरिजिनल नाम है दिगंत माथापुरवा। वैसे तो मैं उसका ब्लॉग देखता हूँ, और ना अच्छा अच्छा बनाता है, और क्या साइकिल से मुझे लद्दाख गया, उत्तराखंड, हिमाचल, मनाली, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गाइस आप लोग भी देखो इसका ब्लॉग, सपोर्ट करो भाई को। अंदर में क्या काम कर रहे हैं? अंदर ये लिया इसके साथ एसडी कार्ड, डेनिम का शर्ट, डेनिम। अच्छा, क्या ब्रांड ब्लॉक मेमोरी कार्ड है? तो गाइस इससे तो हम लोग पहले भी मिला है, मैंने पहले भी फॉलो किया ना हम लोग, हाँ हाँ, माय बॉम में और काम में क्या था। तो ये इसका नाम तो सूरज है, तो अभी आप लोग कहाँ गए? हम लोग अभी जिमरा गए, जिमरा। ठीक है, चलो चलो, काफी टाइम यहाँ पे भाई के साथ बात किया, काफी ज्यादा अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छे से बैठेंगे एक साथ, ठीक है? पार्टी करेंगे हम लोग, हाँ जरूर जरूर, एक जगह अच्छा लोकेशन देख के, हाँ हाँ, बढ़िया से बैठेंगे। चलिए बाय बाय सभी को, ठीक है, अच्छा से जाओ, जरूर जरूर, चल भाई, ठीक है, मिलेंगे। पहले हमको फोन करने से हम कुछ इंतजाम करते रहना, नहीं किया वैसे डायरेक्ट आ गया आप ना, आप पहले फोन किया करो, है ना? ठीक है, हाँ बाय भाई। कितना टू होगा अभी जो आपने कैंसिल किया? 15 वाह, पूरा 15 जैसा कैंसिल हुआ, और बाकी रेशेड्यूल ना, क्या कॉल मिला इन सबको? इन सबको मैंने वो जो रेशेड्यूल रखा, अच्छा आपका ये रांची में 15-16 जो कैंसिल है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? उसके बारे में तो क्या बोलेगा, हरामी लोगों ज्यादा हासिल अदर करता नहीं लेता, और
फर्स्ट हमलोग का खराब होता, हम लोग तो फर्स्ट ऑर्डर करता आराम से बोलता हम नहीं लेगा, कैंसिल कर दो, हम इधर नहीं है, इधर नहीं है, ऐसे बोलता। और ऊपर से तो गाली हम लोग ही सुनना पड़ता है और हम लोग का परसेंटेज ही खराब होता है। और क्या बोलेगा, कुछ दिमाग में है लेकिन वो बोलने नहीं सकता ऐसे ना। तो जो ऑर्डर करता अगर नहीं लेना है तो ऑर्डर ही मत करो ना, ऑर्डर ही मत करो। हम लोग का परसेंटेज खराब होता, ऊपर से हम लोग को गाली सुनना पड़ता है। वो तो हम लोग का बात है, लेकिन ये हम लोग का जगह का भी बात है ना, क्योंकि देखो 7881 जो हम लोग का ये माइबंग कोर्ट है, ये बदनाम होता था ना, बदनाम होता जो माइबंग से पार्सल नहीं बिकता ना, इसलिए इसका वजह से ही माइबंग का फील्ड कोर्ट बदनाम होता। हम्म, ऐसा नहीं करना चाहिए ना लोगों को। जो जो ऑनलाइन से जो प्रोडक्ट जो ऑर्डर करता है ना, जो मंगाते हैं, वो लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। जो सामान कंटिन्यू लेते हैं उन लोग के लिए प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि जो लोग नहीं लेते ना उसका वजह से वो लोग भी नाम खराब होता, मतलब हाँ। तो रोज ले लेता उसका भी नाम खराब हो जाता है ना। तो गाइस देखो आज का कैंसिल इतना सारा है, तो देखो 100 अबव है। तो गाइस आप लोग सामान ऑर्डर करके प्लीज़ आप लोग ले लीजिए। अगर ऑर्डर करके अगर नहीं लेना है तो ऑर्डर ही मत करो, है ना, क्योंकि कितना डिलीवर दिया आज में 18। अच्छा, और जोड़ो अच्छा। तो गाइस हम लोग सुबह से अभी काम करता करता अभी रात हो गया, अभी क्लोजिंग का टाइम हो गया, अभी आज मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। तो क्या है ना गाइस, जो सामान ऑर्डर करता है ना, जो पार्सल जरूरत है इसलिए ऑर्डर करता है, लेकिन लोग ना नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हमारे माइबाग में ना 60% नहीं यहाँ पे पार्सल लेते हैं। सीओडी मतलब घर बैठे बैठे सामान आने के बाद पैसा दो आप, कितना अच्छा है ना, घर तक आके पहुँचाता है। तो इसमें लोग ऑर्डर करने के बाद भी नहीं लेता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा करना तो ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसा भी कस्टमर है कि हम लोग फ़ोन करने के बाद यहाँ से फ़ोन करता है, सामान आया बोल के फ़ोन करता है, फिर भी जानबूझ के वो लोग रिसीव नहीं करता, ऐसा लोग कस्टमर है। तो अगर आप लोग ऑर्डर करने के बाद में अगर शिपमेंट नहीं लेना, आप लोग को पार्सल नहीं लेना है तो कैंसिल कर दो, है ना। और इवन कोई कोई बोलता है ऐसा कि कैंसिल करना भी नहीं आता, ऐसा वाला भी है कि सामान तो मतलब ऑर्डर करता है लेकिन कैंसिल करना भी नहीं आता, ऐसा वाला बहुत लोग है। हम लोग को जो कस्टमर मिलता है ना तो ऐसा बोलता है कि मैंने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन कैंसिल करना नहीं आता है, इसलिए वो आ गया तो आप लोग कैंसिल कर दो, ऐसा अलग भी है। जब जब बात करने मिलता है सबको, हम लोग कैंसिल तो कराते हैं लेकिन कोई कोई है मतलब फोन ही रिसीव नहीं करता, ऐसा अलग बोर्ड है। तो माइबंग में 60% ही यहाँ पे ऑनलाइन जो शॉपिंग करता है ना वो लोग 60% ही लेता है, बाकी तो नहीं लेता है। 40% वैसे ही इसमें गेम खेल रहा है ऐसा। तो क्या होता है ना, जो ऑनलाइन यहाँ पे शॉपिंग करता है ना, जो 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 सामान जरूरत होता है जिसको जो घर से मतलब यहाँ तक ऑफिस में आके ले लेता है कोई कोई तो, लेकिन बाकी लोग ऐसा है। तो गाइस ऐसा मत करो। तो हाँ, ज़्यादा ब्लॉग लंबा भी हो गया तो आज का ब्लॉग मैं यही तय रखता हूँ। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं बाकी और भी लेके आऊँगा जो जो ये हम लोग का ये ऑफिस में क्या क्या हो रहा है ना, वो सब भी मैं बताऊँगा। कस्टमर के साथ में हम लोग कैसे कैसे फेस करना पड़ता है वो सब भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूँगा। तो आज का ब्लॉग में यहीं पे रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।